है था तो में ओके अभी वो इंडोनेशिया गया था वो इंडोनेशिया में देखा रहा था एहसास बायोफ्लॉक का वो श्रिम फार्मिंग देखा रहा था दूसरा कैट फिश का देखा वो देखेगा उसके बाद थोड़ा वो हम लोग का जो एक्वेरियम आइटम होता है ना हम्म हम्म उसका भी दिखा है उसके बाद उसके साथ घूमने के लिए बाली गया बाली के बाद हम लोग इधर इंडोनेशिया का जाकाटा और वो राइट दूसरा जगह उधर गया उसके बाद hmm. वो देखा और थोड़ा चार चार टैंक ऐसा लगते हुए चार टैंक में उधर से दो डायमीटर के लेके आया अच्छा बूस्टर कंपनी का थोड़ा फ्लॉक लेके आया बूस्टर का लेके आया और सीपी कंपनी का भी उधर थाईलैंड से जा रहा था वो टाइम पे hmm. कोरोना से आगे और उसके बाद फिर इंडिया में इंडिया से एक को फिश विज्ञान नहीं दूसरा क्या है वो वो अच्छा, तो फिश फार्मिंग करके जो है हाँ वो और उसके बाद नेपाल में लेके आया थोड़ा गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत किया उसके बाद चार टैंक से स्टार्ट किया ट्वेंटी से और हाँ, उसमें और नेपाल में अभी एक जगह है चितवन बोल के उधर से मोनोसेक्स तिलपिया जो दो साल अभी चार पांच साल हो गया वो इधर मोनोसेक्स तिलपिया के कल्चर कर रहा है वो भी उधर okay. थाईलैंड से सब कुछ लेके आके okay. और उसके बाद वही ट्रायल करके दो दो तीन बार तो मर गया वो कार्प और कार्प डाला एक बार एक बार कैटफिश डाला और उसके बाद थोड़ा थोड़ा देख के इधर उधर करके दो तीन हार्वेस्ट सक्सेस हो गया उसके बाद फिर 10 डायमीटर का दो टैंक रखा ओके okay. और उसके बाद काम किया अभी नेपाल गवर्नमेंट सेक्टर के में आठ टैंक सेटअप हुआ है अभी जो मेरा नियर है वो और उधर भी अभी आठ आठ टैंक में कॉल्सर हो रहा है और छह टैंक सीमेंट टैंक है उसमें भी कल्चर हो रहा है वो तिलापिया ही कर रहा है वो लोग तिलापिया और पंगास ओके okay. अभी उस वो किया और मैंने श्रिम्प में जाने का डिसीजन किया श्रिम्प में जाने के डिसीजन करके मैं ट्वेंटी डायमीटर का चार टैंक और दूसरा दो टैंक लेके आके इधर अभी एक साल हो गया है उसको सेटअप किया ओके okay. लास्ट ईयर ही मैं कर रहा था मगर वो लास्ट ईयर का ऐसा अप्रैल से हम लोग का इधर बैंक है सब कुछ लॉकडाउन हो गया वो mm -hmm. बैंक का पूरा अभी लोन करने के लिए ये नहीं ये वो है ये सब के सब कुछ लॉकडाउन कर दिया उसके बाद थोड़ा बैठ के अभी उधर इंडिया दो तीन आदमी से बात कर रहा था पहले भी मैं एक इंडिया वो तमिलनाडु का है mm -hmm. वो भी ओमन में और वियतनाम में ये बायोफ्लॉक में श्रीम कल्चर और दूसरा तिलापिया कल्चर कर रहा है वो ओके okay. उसके साथ में मगर वो उसको सिर्फ हिंदी मालूम है मगर वो वो फिशरीज ही है गवर्नमेंट सेक्टर का भी फिशरीज ही है वो बोल रहा था आंध्र प्रदेश का क्या क्या करते और उसके साथ थोड़ा हिंदी से मत नहीं हुआ और ज्यादा दूर का भी हो गया हाँ और उधर का वो है भी कोस्टल लाइन का कि वहां पे हिंदी थोड़ा उनका टाइट है टाइट हाँ, है अभी ये दो जो मैंने अभी ये चार टैंक ट्वेंटी डायमीटर और ये दो टाइम डायम, दस डायमीटर का दो टैंक सेटअप किया है अभी इसको तिलक पंगस में थोड़ा ट्रायल मगर पहले पंगस दूसरा कुछ भी नहीं करके सिर्फ बेनम स्ट्रीम दो तीन बार करने का है देखो दो तीन बार करने का ना कुछ ऐसा नहीं है एक बार में ही वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी अभी क्या है कि देखो आप बहुत सारी बोट में नाव में सवार हो जाते हैं उधर से कुछ लिया उधर से कुछ लिया उधर से कुछ लिया उधर से कुछ लिया तो चार जगह का मसाला लिया और एक सब्जी बना दी चारों में ही कोई गलती नहीं थी पर जब चारों मसाले एक जगह मिले ना तब वो गलती हो गई गलती चारों की टेक्निक अगर फॉलो करेंगे जैसे सपोज पौंड वाले से आपने कुछ पूछा तो उसने कोई टेक्निक बताई तो वो उसने अपने पॉन्ड के एक्सपीरियंस से बताई अगर आप उसको बायोफ्लॉक में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे अगर बायोफ्लॉक वाले से कुछ पूछा वो टेक्निक आपने रेस में इम्प्लीमेंट करी तो डेफिनेटली फेल होंगे तो कुछ भी काम करने से पहले आपके पास दोनों के जवाब होने चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप तिलापिया और पंगेशियस को देखो और एक फिश और आती है इसमें आपकी रूप चंदा जिसे नेटर के नाम से भी आप जानते हैं जो फैमिली की है और आप इसको एक्वेरियम में भी देखते हैं हाँ, एक में भी है।, है ना और एक आपकी में भी है हाँ एक आपकी हाइब्रिड मांगुर ये चार स्पेशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी हैं कि अगर आप चार पैरामीटर एक पीएच एक डी अमोनिया और आपका एल्किटी इन चार चीजों को ठीक रख लो तो और किसी पैरामीटर की आपको जरूरत नहीं है सबसे हार्डी फिशेज है ये अब मोर्टेलिटी क्यों आती है इनिशियल में बच्चा लाए आप या तो बहुत छोटा बच्चा लेके आए या बच्चा बहुत दूर से आया या बच्चा अनट्रस्टेड सोर्स से आया ये तीन रीजन ही होंगे कि जब उसमें फेलियर के चांसेस होंगे अदरवाइज चार पांच परसेंट मछली मरेगी उससे ज्यादा नहीं मरेगी इन तीनों स्पेशीज में और तिलापिया में तो वो भी नहीं होगा ठीक है ठीक है सर तो अभी जो आप करने वाले हैं उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि आपका वाटर पैरामीटर कैसे है तो आपका जो अभी कल्चर है वो फ्रेश वाटर है फ्रेश वाटर मतलब सॉफ्ट वाटर जिसे आप ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं या एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो ये जो वाटर है हमारे पास इस तरह के तीन एक्वाटिक एनिमल हैं जो आपने देखे होंगे देखें ये तीनों चारों? दो तो देखा है मगर ये दो नहीं देखा है ये क्रैप जैसा और दूसरा थोड़ा क्रैब वाला वो जो हैंड से पकड़ा है वो तो खाया भी है और दूसरा बहने भी खाया है का दो नहीं खाया ठीक है तो ये जो है ये आपका श्रिम्प है अब इंग्लिश में अगर बात करें तो हिंदी में बात करें तो झींगा एक ही वर्ड है पर इंग्लिश में अगर बात करें तो हमारे पास दो वर्ड है इसे हम श्रिम्प बोलते हैं इसे हम प्रॉन बोलते हैं ठीक है ना तो प्रॉन जो है वो मीठे पानी का है श्रिम्प जो है ये खारे पानी सलाइन वाटर, ब्रेकिश वाटर इनका है ये जो नीचे के हैं ये आप दो तीन कल्चर और रन कर लेंगे तब आप इनकी तरफ आएंगे ये क्रे फिश है और ये आपका लॉबस्टर है अभी गोवा में हम एक फार्म सेटअप कर रहे हैं जहां पे लॉबस्टर फार्म डेवलप कर रहे हैं रेस में तो अब सबसे पहले समझना है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है करने से पहले समझना पड़ेगा क्योंकि कैट फिश आपने सौ डाली हार्वेस्ट करोगे दस बीस तीस चालीस पीस फिर भी निकाल लोगे पर अगर श्रिम्प और प्रॉन में कुछ भी उन्नीस बीस हुआ तो हंड्रेड परसेंट मोर्टलिटी मिलेगा और टोटल लॉस होगा और वो लॉस फार्मर का होगा ना कोई कंसल्टेंट आएगा ना कोई ट्रेनर आएगा ना कोई हैचरी वाला आएगा ना फीड वाला आएगा ना प्रोबायोटिक वाला आएगा हंड्रेड परसेंट जो लॉस होगा वो फार्मर का होगा तो करने से पहले उन चीजों को समझना है ये प्रॉन है आपका आपके यहां पर भी मिलता होगा जरूर क्योंकि इंडिया और नेपाल कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये नेपाल में नहीं मिलता है सर अभी थोड़ा आइस में पैकिंग करके वो हाँ आइस मिश्री आता है मिश्री में पैदा है मगर ये प्रॉन नहीं आता है हाँ तो ये चीजें पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है है ना मिलता तो है मिलता है मगर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होटल जो फाइव स्टार और ऐसा वो ऐसा होटल चाइनीज होटल इस, इस समय मिलता है हाँ उनमें वो आपको मिलेगा तो ये वाला अगर आप करते हैं फ्रेश वाटर का है पर इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है टाइम एंटामोक्स जो उसका कल्चर टाइम है वो सिक्स टू एट मंथ्स का है थीके? ठीक है ठीक है सर दूसरा जो आप करना चाह रहे हैं वो ये है जिसे आप अपना वनामी बोलते हैं व्हाइट लेग स्ट्रिम बोलते हैं या झींगा बोलते हैं साइज में छोटा होता है और मरीन वाटर ब्रेकिश वाटर सलाइन वाटर का रिक्वायर्ड होता है इसके लिए ओके। okay. और कुछ इसमें एक जो रोल प्ले करता है वो है आपका सेलिडिटी दो पीपीटी में करो चार पीपीटी में करो पांच पीपीटी में करो सात पीपीटी में करो उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग है पर उसको सलाइन वाटर चाहिए होता है क्योंकि वो उसी कल्चर के लिए बना है आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे जो पहले डालते थे वीडियो पर हाँ, अब पहले, पहले। हाँ शुरू में डाले उन्होंने पर अब धीरे धीरे डालने बंद कर दिए क्यों क्योंकि एक तो उसका सर्वाइवल कम है और दूसरा उसका ग्रोथ नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सलाइन वाटर है और सलाइन वाटर में भी एक टर्म है आपका ऑस्मो रेगुलेशन जिसे आप परासरण दाब बोलते हैं कि जिससे वो अपने अंदर और बाहर के मिनरल्स को बैलेंस करता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहला आपका टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास या 22 से लेके 32 तक का होना चाहिए तो ये टेम्परेचर आपको आपके यहाँ पर कब मिलेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर में चेंजेस आने लगते हैं नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक वेरिएशन रहते हैं तो मिनिमम सेवन टू एट मंथ्स आपको मिलते हैं अच्छा कल्चर करने के लिए और आपका कल्चर इंडोर होगा बारिश वारिश जो आएंगी वेदर वेरिएशन होंगे वो भी कम आएगा उसपे दूसरा आपका वाटर अभी फ्रेश वाटर है तो उसको सलाइन वाटर बनाना पड़ेगा पांच पीपीटी तक ले जाए सात पीपीटी तक ले जाए वो फर्दर डिस्कशन का टॉपिक है दूसरा ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो फाइव प्लस या सिक्स पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए एल्लिटी okay. सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपका तो यह भी आपका फिफ्टी से लेकर टू ट्वेंटी वेरी करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कल्चर पीएचनेटी का जो मैंने आंध्र प्रदेश में जो तो चेकिंग करके आपको एक फोटो भेजा था ना हाँ। उसमें एलकानेटी का सेंटर में लगता है मेरे को टू फिफ्टी तक से कितना है बोल रहा था वो हाँ मैंने साथ शेयर किया था ना उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और वो उसमें करना पड़ेगा हाँ वन फिफ्टी वो रिक्वायरमेंट बोला था टी अल्कानिटी बोल के वही एक ही है ना टी अलका हाँ उसमें दो पैरामीटर हैं एक आपका कार्बोनेट और एक आपका बाइकार्बोनेट कार्बोनेट तो कार्बोनेट का लेवल 20 से 50 का होता है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का लेवल आपका 50 टू 220 टू अलग अलग होता है इधर 100 to 200 टू टू लिखा है रेंज लिमिट में और मेरा जो निकला था वन निकला था हाँ तो ये ऑप्टिमम रेंज है अब जब छोटा बच्चा होगा आपका तो उसके लिए लेवल अलग है जब बच्चा नर्सरी से ग्रो आउट पॉन्ड में होगा तब उसका रेंज अलग है जब ग्रो आउट से लास्ट हार्वेस्ट पीरियड में होगा उसका रेंज अलग है पर ये एक आइडल रेंज है कि इसमें छोटा बच्चा भी सरवाइव करेगा और बड़ा बच्चा भी सरवाइव करेगा ठीक है ठीक है फिर है आपका पीएच पीएच सबसे ज्यादा बेसिक है आपका आपकी वॉटर की हेल्थ चेक को एनालाइज करना ये आप इतने लंबे कल्चर में समझ ही गए होंगे फिर है आपका अनाइनाइज अमोनिया अन अमोनिया ये हार्मफुल है आपके एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो आप अपना एपीआई किट से देखते हैं वो टेन की वैल्यू देखते हैं जो है आपका टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जिसमें अमोनिया भी है और अमोनियम भी है तो हमें जो फिगर आउट करना है वो अमोनिया की वैल्यूबल देखनी है यही आपकी हार्मुल और डायरेक्टली ये किस पे डिपेंडेंट है आपके पीएच पे एल्कलिनिटी पे सेलिनिटी पे और टेम्परेचर पे तो एक दूसरे पैरामीटर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है तो वो चीजों को कल्चर करने से पहले समझना है क्योंकि श्रिम्प उतना टाइम आपको नहीं देगा कैटफिश तो फिर भी हम बचा लेते हैं 24 घंटे 48 घंटे बहत्तर घंटे तक भी मोर्टलिटी को कंट्रोल कर लेते हैं पर श्रिम्प हुआ प्रॉन हुआ लॉबस्टर हुआ क्रैब हुआ ये आपके उतना टाइम हमें नहीं देते तो हमें 24 फोर इंटू सेवन वाटर क्वालिटी को अप टू नाइट्राइट की वैल्यू नाइट्रेट की वैल्यू ये शुरू में आपको परेशान करती हैं पर जब आपका कल्चर वीक पुराना हो जाता है, ये वैल्यूज आपकी सजेस्टेड रेंज में आ जाती है और उसके बाद आप अपना कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को फॉलो करते रहो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो भी आपकी पानी के थिकनेस को बढ़ाता है उसके बाद आपका फ्लॉक काउंट कैट फिश में आप 25, 40 उतना भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जब आप shrimp का कल्चर कर रहे हैं तो इस वैल्यू को आप 10 से 15 मिलीग्राम पर लीटर तक ही अपने फ्लॉक को रखें अगर ज्यादा होगा आपकी बॉटम में सस्पेंड होगा सस्पेंड होने के बाद वो ज्यादा आपका नीचे डीकम्पोज होगा डीकम्पोज होने के बाद वो उतना ही मेथेन और उतना ही हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा जो आपके झींगा के लिए प्रॉब्लम करेगा तो फर्स्ट टाइम आप कल्चर कर रहे हैं अभी तक आपको जो एक्सपीरियंस है वो कैटफिश का है तो जो स्टॉकिंग करेंगे आप 200 से 250 पीस का ही स्टॉकिंग करें 1000 लीटर में okay, जो स्टॉकिंग साइज आप रखेंगे पीएल का वो 11 तक का रखें 11 दिन तक का वो बच्चा हो 11 12 दिन तक का ठीक है जिससे okay, आपको सर्वाइवल ज्यादा मिले छोटा बच्चा होगा पांच दिन का छह दिन का तो एक तो जो ट्रांसपोर्ट में उसको स्ट्रेस होगा वो वाला और हैंडलिंग वाला उसकी वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आएगी फीडिंग रेट जो है वो थ्री टू सिक्स परसेंट का बॉडी वेट जाएगा जो फीड कन्वर्जन हमारा आएगा अगर बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ तो आप 1200 ग्राम खिलाके के एक किलो झींगा तैयार कर लेंगे अगर बहुत बुरा मैनेजमेंट हुआ तो 1800 ग्राम फीड खिला के एक किलो झींगा तैयार करेंगे तो जितनी फोकस आप अपनी वाटर मैनेजमेंट क्वालिटी पे रखेंगे उतना ही आपके लिए वो अच्छा रहेगा ग्रोथ रेट जो है शुरू के चार हफ्ते में आपका झींगा एक ग्राम से लेके तीन ग्राम तक का हो जाएगा और कोई कोई पांच ग्राम का भी हो जाएगा वो तो आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि आप कैटफिश का कल्चर कर चुके हैं अगर आपने सौ मछलियां डाली तो सौ की सौ मछलियां अन ईवन साइज की होंगी कोई एक किलो की होगी कोई 600 ग्राम की होगी कोई 300 ग्राम की होगी और कोई 200 ग्राम की भी होगी सारी ऐसी नहीं होंगी कि सारी मछलियां एक किलो होंगी या सारी मछलियां 200 ग्राम की होगी तो जो ग्रोथ रेट है वो आपका 1.3 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक का पर वीक का है तो इस हिसाब से अगर आप पकड़ें तो आपका झींगा चार ग्राम से लेके आठ ग्राम तक का एक महीने में बढ़ेगा और जो झींगे का आपका फाइनल हार्वेस्ट है वो आप सत्रह ग्राम बीस ग्राम बाईस ग्राम पे कर सकते हैं और अच्छा प्राइस ले सकते हैं जो रेयरिंग पीरियड होगा जो आपका कल्चर पीरियड होगा वो आपका नब्बे से एक सौ बीस दिन का होगा फाइनल वेट जो आएगा आपका 22 ग्राम का आएगा जो सर्वाइवल आपका होगा 85 से परसेंट तक का होगा अगर आप वो सारे पैरामीटर अप टू द मार्क रखते हैं प्रोडक्शन फर्स्ट साइकिल में आप 5 से 9 किलो तक का ही फोकस करें ऐसा ना सोचें कि मैं 20 किलो कर लूं 25 किलो कर लूं 35 किलो कर लूं 40 किलो कर दूं पहला कल्चर थोड़ी स्टॉकिंग के साथ आप समझो, चार महीना ऐसे निकल जाएगा उसके बाद जब सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे आपकी जो फार्म पर्सन है फार्म सुपरवाइजर है जब वो सब चीजों को समझने लगेगा देन यू कैन स्टार्ट योर फुल फ्लैश कल्चर सो देट फेलियर भी ना मिले सक्सेस भी बुक कर पाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिले okay. तो ये छोटा छोटा सा एक बेसिक वो था कि इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हम आपको हेल्प करेंगे इसी तरह से हम आपके साथ कनेक्ट होंगे जो भी आपके फार्म के पर्सन है उनके साथ कनेक्ट होंगे ये सब चीजें उनको एक्सप्लेन करेंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या मॉनिटरिंग करनी है कैसे कैसे पानी तैयार करना है कैसे बिफोर स्टॉकिंग सीड आपको आइडियल एनवायरनमेंट बनाना है <laughs> वो आइडियल एनवायरनमेंट बनाने के बाद फिर जब हम सीड स्टॉकिंग करेंगे तो सीड स्टॉकिंग के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं कैसे एक्लिमेटाइजेशन करेंगे वो सब चीजें तो इस तरह से एक पूरा एजेंडा हम आपको देंगे कि जिससे वो सारे इश्यूज आपको उस टाइम पर ना आए जब आपका बच्चा स्टॉक हो जाए क्योंकि श्रेम हमें वो टाइम नहीं देगा कि हम वो सारे पैरामीटर मैनुपुलेट कर पाएं वो पैरामीटर हमें ट्वेंटी रखने पड़ेंगे और बहुत बड़ा कल्चर नहीं है थ्री टू फोर मंथ्स में और वन मंथ में आपको ग्रोथ का पता चल जाता है कि जो आपने पीएल स्टॉक किया था वो एक से तीन ग्राम पांच ग्राम तक पहुंच गया है उसके बाद आप उसको नर्सरी से उठा के ग्रो आउट में शिफ्ट कर देते हैं ये, बेसिक था मेरी तरफ से। ये हमारा सेशन का एजेंडा रहता है जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इनिशियल फार्म डिजाइन डिस्कशन वाटर पैरामीटर रिपोर्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाटर पैरामीटर इंपॉर्टेंस कौन कौन से पैरामीटर हैं क्या क्या रोल है वो सब कुछ सेकंड सेशन में आपका एक्वाटिक एनिमल्स पहले आप अपने एक्वाटिक एनिमल को जानो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसका बिहेवियर क्या है उसका हैबिटेट क्या है उसकी फीडिंग प्रैक्टिस क्या है उसका फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो फ्रेश वाटर के लिए बना है या सॉल्ट वाटर के लिए बना है आपकी जो कल्चर की बेसिक गाइडलाइन है एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है प्रोबायोटिक्स का क्या रोल है आपका नाइट्रिफिकेशन साइकिल क्या है वाटर प्रिपरेशन कैसे आप करेंगे क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे आपका कल्चर का सक्सेस डिपेंड है फ्रेश वाटर में मिनरल कंपोजिशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसका इम्पोर्टेंस आपके सर्वाइवल और आपके ग्रोथ पे है तो कैसे आप इन सब चीजों को बैलेंस करेंगे क्योंकि समुन्दर तो है नहीं आपके पास समुद्र का पानी नहीं है अगर समुंदर का पानी होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती वो तो सब कुछ बैलेंस है अब आप फ्रेश वॉटर को लू सलाइन वॉटर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कंपोजिशन वहां पे करने पड़ेंगे फिर आपका वॉटर प्रिपरेशन फीडिंग बायोसिक्योरिटी कैसे गुड बायोसिक्योरिटी के फार्म में डिजीज आ जाती है पर उसको पता ही नहीं होता कि ये डिजीज कौन सी है तो वो डायग्नोस करना डिजीज के अकॉर्डिंग फिर उसको ट्रीट करना प्रोसेस जनरली फार्मर लाता है पैकेट खोलता है और डाल देता है फिर अगले 24 घंटे में मास मोर्टलिटी तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक्मेटाइजेशन प्रोसेस है जो हमें बिफोर स्टॉकिंग सीड करना चाहिए। टेस्टिंग किट क्या क्या किट्स फार्मर के पास होनी चाहिए सो so दट वो अपने वॉटर को समझ सके ये नहीं कि हर एक बार उसको लैब जाने की जरूरत पड़े, क्योंकि लैब की जो रिपोर्ट आएगी वो 24 से 48 घंटे में आएगी पर जब आप चेक करेंगे तो आप 10 से 15 मिनट में अपना वाटर चेक कर लेंगे AI टेक्निक्स, अगर आप कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं बड़ा सेटअप आप लगा रहे हैं तो आप वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी लगा सकते हैं जिसके थ्रू ऑटोमेटिक आपके वाटर पैरामीटर रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी ओवर द एसएमएस ओवर योर फोन ओवर योर मेल तो आपके वाटर पैरामीटर ही आपको बताएंगे कि सब कुछ आपके फार्म पर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है अदरवाइज कुछ भी एग्जामिन करने का आपके पास मीडियम नहीं है क्योंकि आपका झींगा तो बॉटम में पड़ा होगा वो आपको ऊपर से दिखाई भी नहीं देगा रेस होता तो फिर भी देख लेते क्योंकि साफ होता पानी पर बायोफ्लॉक में तो ब्राउन होगा सारा वाटर दिखाई भी नहीं देगा तो वाटर पैरामीटर अगर सही है तो सब कुछ सही है अगर वाटर पैरामीटर में इशू है मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है तो ये मोटा मोटा सा एजेंडा मेरी तरफ से है और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं और कोई आपके डाउट और कोई कंसर्न तो आप पूछ सकते हैं ठीक तो सर अभी जो हम लोग के लिए पैरामीटर और वो जो लैब का लिए जो मशीनरी आइटम है ना लैब टेस्टिंग के लिए अभी पहले तो मैं एपीआई का भी लेके यूज किया है अभी वो बहुत पुराना हो गया है अभी एक साल हो गया उसका उपयोग किया और दूसरा वो डिजिटल पैरामीटर है जैसे सैलिनिटी इन्ट, चेक करने के लिए पी का और डी का तो दूसरा डिजिटल है वो भी कौन सा कंपनी का है कौन सा कंपनी का लेके आने का है वो भी आप मेरे को सजेस्ट कीजिए वो सब आपको बताएंगे जो टूल्स जो किट जो सेटअप आपका है वो डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना उनको मैं एनालाइज करके फिर आपको बता दूंगा कि कौन सा लेने की जरूरत है और कौन सा लेने की जरूरत नहीं है अगर तो वो होंगी आपके पास तो जरूरत ही नहीं उनको लेने का अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आई विल जो पहले तो मेरे मेरे पास एक फ्रेश वाटर बोल के और दूसरा क्या कंपनी का एक पूरा प्रोडक्ट आया था वो एक साल पहले मोर उसको ओपन तो नहीं किया है थोड़ा एक दो सामान ओपन किया है हाँ तो एक साल का है तो अगर अच्छी कंपनी होगी कोई भी तो दो से तीन साल तक का उसका एक्सपायरी रहता है वो अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसके बैक साइड में आपको मिल जाएगा एक मिनट एक मिनट आप प्लीज होल्ड कीजिए एक मिनट होल्ड कीजिए कॉल आ रहा है मेरा बस एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए ओके okay, सर Hello <laughs> Hello I am audible मुझे सुन पा रहे सर अभी मैं भी एक फोन पे बात किया इसीलिए अच्छा अच्छा कोई कोई दिक्कत नहीं ये तो फोन चलता रहेगा ऐसे ही है। तो अभी और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो बोलिए और जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम ओवर व्हाट्सएप करते रहेंगे और अभी उधर आने का प्लानिंग कर रहा हूँ ये, ये तो क्या क्या प्रोडक्ट है वो सब कुछ और कौन सा कंपनी का प्रोवाइटिव कौन सा कंपनी का फीड यूज करने का है अभी इसको टनल कैसा बनाने का है ऐसा पूरा सब कुछ में लेके प्रिपेयर करके इधर से मैं आपके साथ उधर आ

बिहार से और ये वेस्ट बंगाल से अभी सीट के लिए वेस्ट बंगाल से लेके आने का है तो कौन सा कंपनी वो तो इधर से ही आएगा आपका भीमावरम हुआ आंध्रा हुआ बंगाल से तो जो आपका आता है वो सारा फिशेस का आता है जो भी आपका पंगेशियस है तिलापिया है कार्प है जो आपका बंगाल श्रिम्प से इधर आंध्र प्रदेश से एक हाँ, पीएल दो पीएल का सीड लिया के उन लोग थोड़ा ग्रोथ करके इधर से दस पीएल बारह पीएल का मैं उधर दे सकता हूँ आपके लिए ऐसा बोल रहा था पहले हाँ, वो तो वो जब भी आप ऐसा लें तो डायरेक्टली हैचरी से लें क्योंकि जब वो किसी के नर्सरी सेटअप में चला गया है तो वो अब उसके एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल हो गया है अब उसे अपने एनवायरमेंट में सेट करने के लिए सबसे पहला चैलेंज तो यही आएगा वो पैकिंग करके जो भेजेगा तो उसमें बहुत ज्यादा मोर्टलिटी फेस होंगी क्योंकि वो एक्सपर्टीज उसके पास नहीं है और ये कैटफिश जैसा भी नहीं है कि बांग्लादेश से मंगाया बंगाल में स्टॉक किया और फिर बंगाल से और जगह भेज दिया ये तो पूरा बायो सिक्योरिटी के साथ मेंटेन होना चाहिए और एंड फार्मर के पास जाना चाहिए जिससे उसको वो क्वालिटी मिले वो सर्वाइवल मिले वो ग्रोथ मिले जितनी ज्यादा मल्टीपल स्टॉकिंग होती जाएगी हम सीधे उसको अपने नर्सरी पॉन्ड में लाएंगे नर्सरी पॉन्ड में जब वो तीन से चार हफ्ते कंप्लीट कर लेगा उसके बाद फिर हम उसको फर्दर मूव करेंगे अभी एक आपने एक टेक्नीशियन तो मेरे को देना पड़ेगा जो वाटर जो टैंक पूरा सैनिटाइजर करके वाटर डालने से वो आदमी इधर कल्चर तक एक आदमी आपको मेरे को देना पड़ेगा उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूंगा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपका पर्सन है उसको भी हम कर सकते हैं कल्चर करने के लिए रेडी क्योंकि फोर टू सिक्स वीक का टाइम हमारे पास है वाटर प्रिपरेशन का तो उस वाटर प्रिपरेशन में वो सब चीजें सीख जाएगा अगर उसमें थोड़ा सा भी सीखने का कैलिबर है अगर वो फिर भी नहीं सीखता तो चार हफ्ते छह हफ्ते में इधर से हम अपना टेक्नीशियन आपको दे देंगे क्योंकि टेक्नीशियन के साथ क्या इश्यू है देखो अकोमोडेशन उसका लगता है फूड उसका लगता है सब चीजें उसकी लगती है मंथली जो आपका जाएगा उसका पैकेज वो लगता है तो एक एडिशनल बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा उस बर्डन को अभी यह है कि आप उतना कमर्शियल भी नहीं कर रहे हैं कि उतना बड़ा कर रहे हैं कि वो इनपुट में एडजस्ट हो जाए तो उससे अच्छा है कि आप भी सीखो जो आपके साथ के पर्सन है वो भी सीखे और जो आपकी फार्म पर रहेंगे वो भी सीखे. उस चार से से हफ्ते के पीरियड में में उन तीन चार बंदों में से कोई तो ऐसा बंदा होगा जो सुपरवाइजर का रोल प्ले कर लेगा और उन तीन बंदों को अपने साथ चला लेगा और हम साथ में सपोर्ट के लिए बैठे हैं जो आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट करते रहेंगे फिर भी प्रॉब्लम आई तो एक सीजन के लिए एक सीजन के लिए तो, आ, के आ, लिए आ, तो मैं हैंडल कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सीजन के लिए टेक्नीशियन मैं अच्छा से रखे उसको अच्छा से सब कुछ वो वो जितना हम लोग को अच्छा से सिखाएगा सब कुछ अटेंशन करके दूसरी आर्मी से ऐसे ऑनलाइन करके अभी ऐसा प्रॉब्लम हो ऐसा हो गया एक शेयरिंग करके खत्म करेंगे कोई मुश्किल नहीं है मगर एक पहला हजार टेक्नीशियन दे, दे देंगे आपको फिर आपको टेक्नीशियन देना पड़े टेक्नीशियन दे देंगे आपको ओके ठीक है सर अभी फिर बातचीत करेंगे मैं ये ये वीक आ जाऊंगा कोई मुश्किल नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं आपका वो जो ट्रैम का स्टेशन है ना नियर ऑफ आपका ट्रेन का स्टेशन दीजिए मैं उधर का टिकट करके इधर सीलगुड़ी से उधर इधर बीरगंज नक्सल से मैं आ कोई दिक्कत नहीं है कुछ और okay, भी डाउट होगा कोई और कंसर्न होगा तो आप बता दीजिएगा अगेन वी विल अरेंज अ सेशन फॉर यू ओके सर ओके 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 सर थैंक यू बाय बाय